Hey guys, welcome back to my vlog. तो होस्ट लगाते तो स्वागत कर दो अपने चैनल मिनिस्ट्री ऑफ व्लॉग में। आज हम अनुपम भाई फिर से एक हो चुके हैं। अच्छा फिर से मिल गए हैं और बाकी चलते हैं हम लोग जरा काम से बैलेंस शीट लेके ये टंडन जी के ऑफिस। तो अभी शुभम भाई से बात हो रही है तो शुभम भाई ने कहा कि वो मुझे ले चल रहा है पिज्जा खिलाने के लिए। अभी देखते हैं अगर पिज्जा खाना होगा तो पिज्जा खाएंगे वरना समोसे छोटी छोटी वाले आते हैं वो खाएंगे गाइस। तो चलिए चलते हैं देखते हैं आगे। अभी समय हो रही है 8 बज रही है गाइस। तो आज सुबह से थोड़ा बिजी था इसलिए घर से बाहर नहीं निकला था। अभी निकला हूँ मैं तो सीधा शुभम भाई के ऑफिस आया था। अभी चल रहे हैं आगे देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलते हैं और खाते हैं। तो गाइस अभी बैलेंस शीट का टाइम चला तो हम इस टाइम ब्लॉग सही से बना नहीं पा रहे हैं। दिन भर काम ही कर रहे हैं तो ब्लॉग नहीं बन पा रहा मेरा सही से। ना कहीं जा रहे हैं ना आ रहे हैं, सीधा सुबह ऑफिस आते हैं शाम को 2 या 3 बजे रात को मैं घर जाता हूँ। तो ना ब्लॉग बन पाता है ना कुछ। तो फिर अभी थोड़ा सा 30 तारीख निकट निपट जाए बाकी बैलेंस शीट सबकी ऑडिट हो जाए इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे स्ट्रीट फूड खाने आ चुके हैं। तो शुभम भाई जो है खिला रहा है अपना। शुभम भाई क्या खिला रहे हो? शुभम भाई खिला रहा है जो कि फ्राइड राइस जो कि 35 रुपये का हाफ है। बाकी अभी टेस्ट करते हैं कैसा है दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हमारा लोग आ गया है फ्राइड राइस। देख सकते हैं आप देखने में थोड़ा सही लग रहा है। शुभम भाई खड़े हैं यहाँ तक खापी के निकलते हैं फिर अभी चलना हम लोग को मंदिर। अब जानते हो कि हम और शुभम भाई कहाँ जाते हैं चलिए आपको दिखाते हैं। वहाँ पे काल भैरव के दर्शन कराते हैं। टेस्ट सही है कोई दिक्कत नहीं है। 35 रुपये का आप ब्राह्मण का खाने को जो है ब्राह्मण का धन खाने को आप काफ से लागू होंगे क्योंकि ब्राह्मण खुद ही जो है सबका लेता देता है। अच्छा ऐसा होता है क्या कहीं तो कमेंट करके आप बताइए यहाँ का पैसा शुभम भाई दे कि हम दें। आप बताइए शुभम से खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अगर नहीं खाना चाहिए तो हमें पैसा दे दूंगा अगर खाना चाहिए तो शुभम भाई देगा अपना मतलब दोनों का। वैसे आप देख सकते हैं ये शमशान घाट है त्रिभुवनी घाट बैराज का और बाकी यहाँ पे हम लोग पूजा करने आते हैं। ये काल भैरव जी का मंदिर है। जय हो। आप देख सकते हैं काल भैरव। अभी हम लोगों ने यहाँ पर पूजा करी और बाकी पूजा वूजा करके अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो चलते हैं ऑफिस फिर अभी देखिए ऑफिस से कितने बजे छुट्टी मिलता है फिर घर जाते हैं फिर एक बार घंटी बजाते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस अब हम लोग को फाइनली ऑफिस से छुट्टी मिली हुई है। समय हो रहे 1:19 छुट्टी हम लोग को ऑफिस से मिली। अब हम लोग जाएंगे घर फिर खाएंगे खाना और फिर बच जाएगी 2 और सोएंगे 2:30 या 3 बजे। तो इसलिए सुबह जिम भी नहीं जा पाते हैं और काम इस टाइम नहीं हो पा रहा इसलिए ब्लॉगिंग भी आपको बहुत लिमिटेड मिल रही है। तो गाइस हम लोग रोडवेज पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए कोई चलो चलो बड़ा बड़ा आजम भाई आजम भाई इधर आओ। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साढ़ है उसका स्क्यू किया जा रहा है। शुभम भाई खड़े हैं तो वैसे फाइनली रेस्क्यू कर लिए हैं। कम कर लेते हैं
सो गाइस देख सकते हैं नगर पालिका की गाड़ी है और बाकी यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे योगी जी वाली गाड़ी है सॉरी, और यहाँ से रेस्क्यू करके जपरिया। तो बहुत अच्छा काम है भाई। तो बस यहाँ पे देखिए शुभम भाई भी अपना खड़ा है। तो ये शहर में जो साढ़ होते हैं छुट्टे, तो उनको यहाँ से हटा के ले जाया जाता है रिसिया गौशाला में, उनको छोड़ दिया जाता है। तो एक तरह से देखिए थोड़ा सही ही काम है, अच्छा ही काम है। बाकी ये गाड़ी अपनी खड़ी है, एक्सीडेंट अच्छा कहा है, नहीं कहा अच्छा नहीं है, क्यों नहीं अच्छा है भाई? अरे तो भाई कैसे चढ़ा लोगे तुम ऐसे? थोड़ा सा गलत है लेकिन एक हिसाब से देखो तो सही है। तो गाइस चलिए चलते हैं, अभी समय हो रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ, समय दिख नहीं रहा है लेकिन 1:29 हो रहा है गाइस। तो चलिए चलते हैं गाइस, ये है बैराज का रोडवेज, बाकी हम लोग जा रहे हैं। अभी देखिए कितने गाड़ी खड़ी, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए सरकार ने और उसका पूछ जो है बुरी तरीके से मोड़ा जा रहा है, तो उसको पीड़ा अच्छा ही नहीं है, ये बुराई है। हम लोगों ने देखा वो, हम लोगों को पाप लगा है। हाँ, सही। तो जो ट्वीट कर दिया कि योगी जी की गाड़ी ला के जो है इस तरीके से बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। कोई भी सरकार हो, बीजेपी सरकार हो या सपा की सरकार हो, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा कि जो है गवर्नमेंट इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए। इंस्टाग्राम पे ट्वीट किया जाएगा, पुलिस प्रशासन और वहाँ के लोग खड़े होकर के देख रहे हैं चीज़ों को। उनसी जो है हरकत है कि आप किसी जानवर को अभी आपको जो है पकड़ के पटक के मारूं तो कैसा फील होगा भाई? आप कान में पानी डाल रहे हैं, किसी जानवर के कान में अगर आप पानी डालते हैं तो कैसा महसूस होगा भाई उसको जो है कान में पानी डाल रहे हैं? ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि कान में आप जानवरों के पानी डालेंगे, पूंछ उसकी तोड़ी जा रही है, गला उसका